Hello students, how are you? Welcome on my channel New Era Maths Classes. पिछली क्लासेस में हमने स्टडी किए थे वेन डायग्राम्स ऑन डिफरेंट ऑपरेशंस ऑफ सेट्स. उन्हीं वेन सेट्स जो है आपके पास वेन डायग्राम्स में हम कुछ फॉर्मूलाज बनाने वाले हैं. तो देखिए कैसे बनाने हैं. हमने वेन डायग्राम किए थे ए यूनियन बी, ए माइनस बी, बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी एंड ए कॉम्प्लीमेंट, जो भी है कॉम्प्लीमेंट पे. इन सब पे हम वेन डायग्राम स्टडी कर चुके हैं, ठीक है. इन्हीं पे बेस्ड हम कुछ फॉर्मूलाज बनाने वाले हैं जो आपके 1.6 एक्सरसाइज में बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं. तो आपको इनको रट्टाफिकेशन नहीं करना, सबको समझ समझ के जो वो याद करना है आराम से. चलिए, यू इज अ यूनिवर्सल सेट, ए एंड बी. आपके पास दो सेट गिवन है, ए एंड बी, ठीक है. दिस इज द सेक्शन इज रिप्रेजेंट, किस को रिप्रेजेंट कर रहा है? ए इंटरसेक्शन बी को कर रहा है. दिस सेक्शन इज बी माइनस ए, क्योंकि हमने यहाँ से क्या किया, ये वाला पोर्शन एंड दिस, ये हमारा बी माइनस है. बी माइनस ए क्या होता है, जिसमें से हम ए के पॉइंट माइनस कर देते हैं. एंड दिस इज पोर्शन इज ये ए यहाँ तक और दिस लाइन, ये वाला जो कंप्लीट पोर्शन बचा इसको हम कहेंगे ए माइनस बी, ठीक है. तो आपके पास ये वेन डायग्राम होता है ए माइनस बी, बी माइनस एंड ए इंटरसेक्शन बी. ए यूनियन बी में क्या आता है, अगर हम ए यूनियन बी की बात करते हैं तो कंप्लीट सेट ए लेके चलते हैं, कंप्लीट सेट बी लेके चलते हैं. यानी ये वाला जो कंप्लीट पोर्शन अगर हम इसको कर दें ब्लैक, तो ये हमारा ए यूनियन बी हो जाता है, जिसमें ए के भी सारे नंबर आ जाएंगे और बी के भी सारे नंबर आ जाएंगे, ठीक है. अभी हम इसको लिख सकते हैं, देखो ए माइनस बी सेट ए माइनस बी, इसके बाद ए इंटरसेक्शन बी, कौन सा पोर्शन, दिस इज दिस एंड दिस, ये सेक्शन बना हमारा ए इंटरसेक्शन बी. एंड थर्ड इज बी माइनस ए, दीज आर द म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट्स. डिसजॉइंट सेट क्या होते हैं, आर म्यूचुअली डिसजॉइंट, डिसजॉइंट सेट्स. डिसजॉइंट सेट्स का क्या मतलब होता है, जिनका आपस में कोई भी नंबर कॉमन नहीं होता. ए माइनस बी, ए इंटरसेक्शन बी एंड बी माइनस ए, सारे जो वहाँ पर के पास डिफरेंट डिफरेंट नंबर है. ये हमारा ए माइनस बी बन रहा है, इस पोर्शन में ए माइनस बी हमारा यहाँ तक खत्म हो जाता है, फिर ये शुरू होता है इंटरसेक्शन बी और यहाँ से शुरू होता है बी माइनस ए. तो इनके आपस में कोई भी नंबर कॉमन नहीं है, तो तीनों सेट कैसे हैं, डिसजॉइंट. यानी कि हम ये भी कह सकते हैं कि इन दोनों के इंटरसेक्शन फाई, इन दोनों के इंटरसेक्शन फाई एंड फर्स्ट और लास्ट इन दोनों के इंटरसेक्शन फाई आएंगे, ठीक है. देन अगर ए यूनियन बी निकालें, ए यूनियन बी हमारे पास क्या होता है, कंप्लीट पोर्शन दिस इज एंड कंप्लीट बी, तो हम इसको लिख सकते हैं. अच्छा, इससे पहले देखिए एन ऑफ ए, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था एन ऑफ ए, ये क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए. ए में जितने भी नंबर होते हैं उसको हम बोलते हैं एन ऑफ ए, यानी कि कार्डिनल नंबर ऑफ ए, ठीक है. अगर हम यहाँ पे ये देखें कि एन ऑफ ए यूनियन बी, हमें निकालना है कि ए यूनियन बी में कितने नंबर होंगे, तो हम इसको लिख सकते हैं कि जित ए नंबर ऑफ ए माइनस बी, नंबर ऑफ ए माइनस बी प्लस कर देंगे नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये वाला पोर्शन, ठीक है, फिर प्लस कर देंगे नंबर ऑफ बी माइनस ए. अगर हम इन तीनों सेट्स के नंबर्स को ऐड कर देते हैं तो हमारे पास कंप्लीट ए यूनियन बी के नंबर आ जाते हैं, क्लियर. तो ए में जितने ए और बी यानी यूनियन लेके चलेंगे तो कंप्लीट सेट है, कंप्लीट सेट भी आ जाएगा, इसमें हमारे पास बीच वाला पोर्शन भी आएगा. तो हम अगर इनके नंबर्स को ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा यूनियन, ठीक है. अभी हम क्या करते हैं कि इसके अंदर हमारे पास राइट हैंड साइड पे नंबर ऑफ ए माइनस बी, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस नंबर ऑफ बी माइनस ए, इसमें हमने क्या किया कि नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ऐड कर दिया एंड नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमने इंटरसेक्शन माइनस कर दिया. सेम टू सेम नंबर ऐड कर दिया, सेम टू सेम नंबर माइनस कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. देन
इस पोर्शन को आप इकट्ठा ले लेते हैं, इस पोर्शन को इकट्ठा ले लेते हैं। अब ये देखिए, नंबर ऑफ ए माइनस बी, ये वाला पोर्शन, ठीक है, प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, नंबर ऑफ इंटरसेक्शन बी, जो इसके अंदर जो नंबर आएंगे, अगर इन दोनों नंबर को जोड़ देते हैं तो पूरा सेट हमारा ए बन जाता है। ठीक है, तो इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं, इसमें इसकी जगह आ जाएगा नंबर ऑफ ए, यानी कि इन दोनों सेट्स के नंबर को अगर हम ऐड कर दें तो पूरे सेट ए के नंबर आ जाते हैं। क्लियर। प्लस अब यहाँ से लेकर यहाँ तक देखें, नंबर ऑफ बी माइनस ए, ये वाला सेट, नंबर ऑफ बी माइनस ए, ये वाला पोर्शन हो गया, और नंबर ऑफ इंटरसेक्शन बी, ये वाला पोर्शन हो गया। अगर इसको और इसको ऐड कर देंगे तो कंप्लीट सेट हमारा बी आ जाएगा। दिस इज एन ऑफ बी। लास्ट में क्या बचा, माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला बन गया, एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, इसको आपको याद रखना है, दिस इज। ठीक है, अगर आपके पास दो, इसमें जैसे ये हमारे पास एलिमेंट कॉमन आ रहे हैं ए और बी सेट में, अगर ये नंबर आपके पास कॉमन ना हो, देन फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं ए सेट एंड बी सेट, इनमें आपके पास जो है कोई भी नंबर कॉमन नहीं है, ओके, तो यहाँ से कोई इसका इंटरसेक्शन में कुछ नहीं आएगा, इसका मतलब एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ज़ीरो। क्यों? क्योंकि एन ऑफ इंटर, अगर आप इंटरसेक्शन निकालते हो ए इंटरसेक्शन बी, दिस इज इक्वल टू फाई, फाई का मतलब ए इंटरसेक्शन बी में कोई भी नंबर नहीं है, तो एन ऑफ निकालेंगे यानी कि हम नंबर निकालेंगे ए इंटरसेक्शन बी में, तो वो ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, तो अगर कंडीशन आती है यहाँ पे, इफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू फाई, अगर इंटरसेक्शन हमारी फाई आ जाती है, देन यूनियन किसके इक्वल हो जाएगा, देन एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस ज़ीरो। इसकी वैल्यू उठा गया, अगर ये फाई आ जाता है तो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ज़ीरो हो जाता है। तो नंबर ऑफ, इसकी वैल्यू रख देंगे ज़ीरो, देन दिस, इसको हम हटा सकते हैं। तो ये आपका सेकेंड फार्मूला हो गया, अगर दो सेट डिसजॉइंट हैं, डिसजॉइंट यानी इनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो हमारे पास फॉर्मूला बनेगा एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी, दिस इज द सेकेंड फार्मूला। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखिए, हमने दो फार्मूले कर लिए हैं, यहाँ पे लिख देते हैं एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। सेकेंड हमने क्या किया है, एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी, ये कब होता है, इफ एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, एन ऑफ मत लिखो, ऐसे लिख लो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू फाइव। अगर आपके पास डिजॉइंट सेट आ जाते हैं तो ये जीरो हो जाएगा, हमारे पास यूनियन दोनों सेट्स के एडिशन के इक्वल हो जाएगी। नाउ अभी हमने जो डायग्राम बनाया था, वेन डायग्राम, यू सेट, ए सेट लिया था हमने, दिस इज बी, ये पोर्शन हमारा था ए इंटरसेक्शन बी, ये पोर्शन ए माइनस बी, एंड दिस इज बी माइनस ए। ठीक है, अब इसी वेन डायग्राम से हम कुछ और फॉर्मूलाज निकालते हैं। एन ऑफ ए कंप्लीट सेट जो हमारा किस किस को मिला के बन रहा है, एन ऑफ यानी कि अगर मैं ए के नंबर चेक करती हूँ कि ए में कितने नंबर हैं, तो जितने इस सेट में नंबर होंगे ए माइनस बी में, और प्लस कर देंगे ए इंटरसेक्शन बी में, तो कंप्लीट सेट हमारा ए बन जाता है। तो एन ऑफ ए इज इक्वल टू आप लिख सकते हो एन ऑफ ए माइनस बी, ये वाला सेट हो गया, और प्लस कर देंगे इंटरसेक्शन, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, यहाँ से आप किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हो, एन ऑफ ए माइनस बी अगर हम निकालेंगे तो हम इस पोर्शन को उठा के इधर ले आएंगे, एन ऑफ ए माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी।
तो एन ऑफ यानी ए माइनस बी में कितने नंबर होंगे कि पूरे सेट में से, पूरे ए सेट में से अगर मैं इंटरसेक्शन निकाल देती हूँ तो नंबर बच जाएंगे ए माइनस बी। ठीक है, नेक्स्ट सेम टू सेम हम बना सकते हैं एन ऑफ बी। एन ऑफ बी किसको मिला के बन रहा है, बी माइनस ए सेट प्लस ए इंटरसेक्शन बी, देन हमारा पूरा सेट बी बन रहा है। तो नंबर ऑफ बी इज इक्वल टू एन ऑफ बी माइनस ए प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, नंबर ऑफ बी माइनस ए इज इक्वल टू एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं, आपको इनमें जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आएंगे उनमें बहुत यूज होते हैं। एन ऑफ ए इज इक्वल टू किसके इक्वल आया, एन ऑफ ए माइनस बी सेट प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी सेट। इसमें से किसी की भी वैल्यू निकालनी है उसके अकॉर्डिंग हम इसको चेंज कर लेंगे। एन ऑफ बी इज इक्वल टू किसके इक्वल आया, एन ऑफ बी माइनस ए प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। चार फॉर्मूलाज हो गए हमारे। नेक्स्ट देखिए, हमने जो डी मॉर्गन ला किया था एन ऑफ एन रहने सिंपल, हमने क्या किया था ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू किसके इक्वल होता है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, हमें फाइंड आउट करना है एन ऑफ ए डैश यूनियन बी डैश। ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट में कितने नंबर आएंगे आपको ये फाइंड आउट करना है। चलिए देखिए, दिस इज इक्वल टू इसकी वैल्यू क्या है, यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, यानी कि इसमें इतने नंबर आएंगे कि हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट में जितने नंबर आने वाले हैं। अब ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी ये वाला पोर्शन हो गया हमारा, और कॉम्प्लीमेंट का मतलब ऐसा नंबर जो यू में आ जाए बट ए इंटरसेक्शन बी में ना आए, यानी कि आप लिख सकते हो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू बनेगा एक्स, एक्स सच दैट बिलोंग्स टू यू एंड एक्स डजंट बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी। ये हमारे कॉम्प्लीमेंट की डेफिनेशन होती है कि यू के सारे नंबर आ जाएंगे इस सेट के एलिमेंट्स को छोड़ के। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पे इस चीज़ को सीधा क्या लिख सकते हैं एन ऑफ यू, यानी इसमें जितने नंबर आएंगे कहाँ से आएंगे, यू में से अगर मैं इंटरसेक्शन के नंबर निकाल देती हूँ तो बाकी बच जाएंगे ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के, यानी कि हमारे पास इसका कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो बाकी का सारा पोर्शन आ जाता है सिर्फ इस पोर्शन को छोड़ के, इस इंटरसेक्शन वाले पोर्शन को छोड़ के बाकी सारा पोर्शन आ जाएगा कॉम्प्लीमेंट में। तो हम लिख सकते हैं एन ऑफ यू माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, कि हमने क्या किया यहाँ से ए इंटरसेक्शन यू में से ए इंटरसेक्शन बी के नंबर निकाल दिए तो ये हमारा कॉम्प्लीमेंट आ गया। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या बना हमारा यहाँ से, एन ऑफ ए डैश यूनियन बी डैश इज इक्वल टू एन ऑफ यू माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। दिस इज द फिफ्थ क्वेश्चन, आपके पास फॉर्मूला आ जाएगा एन ऑफ ए डैश यूनियन बी डैश दिस इज इक्वल टू एन ऑफ यू माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। सेम टू सेम जो सेकेंड वाला हमारा होता है डी मॉर्गन लॉ, अगर यहाँ पे यूनियन हो ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, इसको ओपन करेंगे क्या आता है ए यूनियन सॉरी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन का इंटरसेक्शन हो जाता है। अभी आपको फाइंड आउट करना है कि एन ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इसमें कितने नंबर आने वाले हैं, तो एन ऑफ इसको आप क्या लिखोगे, इसकी वैल्यू उठा के ये पुट कर देंगे यहाँ पे ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट दिस इज इक्वल टू ए यूनियन बी का कौन सा पोर्शन बनेगा हमारा, दिस इज कम्प्लीट पोर्शन ए यूनियन बी, सारे एलिमेंट ए के आ जाएंगे सारे बी के आ जाएंगे। कॉम्प्लीमेंट लेते तो क्या लेते, पूरा यू सेट आ जाएगा जिसमें से हम इस पोर्शन को निकाल देंगे ए और बी के एलिमेंट को निकाल देंगे, तो इसको आप लिख सकते हो एन ऑफ यू माइनस एन ऑफ ए यूनियन बी। ठीक है, यूनिवर्सल के नंबर्स में से हमने अगर यूनियन के नंबर निकाल दिए तो कॉम्प्लीमेंट आ गया और ये इसके इक्वल होता है। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट जो फॉर्मूला बनेगा एन ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश दिस इज इक्वल टू एन ऑफ यू माइनस एन ऑफ ए यूनियन बी। क्लियर, चलिए नेक्स्ट देखिए, हमने पढ़ा था सिमेट्रिक डिफरेंस, ए सिमेट्रिक डिफरेंस विद बी।
इसको आप इससे हम डिनोट करते सिमेट्रिक डिफरेंस को, किसके इक्वल होता ये ए माइनस बी सेट अगर यूनियन कर दें बी माइनस ए सेट के साथ, तो ये हमारे पास सिमेट्रिक डिफरेंस आ गया। ठीक है, स्टार्टिंग में हमने एक फॉर्मूला किया था कि एन ऑफ ए यूनियन बी अगर दो सेट की यूनियन करते हैं तो उन दोनों सेट्स के नंबर को जोड़ दें तो वो आ जाएगा। कब? जब वो दोनों डिसजॉइंट सेट हो, जब उनकी इंटरसेक्शन फाई आती है। हमें यहाँ से ये पता है कि ए माइनस बी इंटरसेक्शन बी माइनस ए, अगर हम इन दोनों सेट की इंटरसेक्शन करते हैं तो ये हमारा फाई आएगा, क्योंकि इसमें कॉमन एलिमेंट नहीं होते। इसमें से हम बी के निकाल देते हैं, इसमें से हम ए के निकाल देते हैं। ठीक है, इसमें बी के एलिमेंट आते हैं, इसमें ए के एलिमेंट आते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये दिस आर द डिसजॉइंट सेट। तो सीधा यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ ए सिमेट्रिक डिफरेंस विद बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए माइनस बी प्लस नंबर ऑफ बी माइनस ए। सीधा आप इसके नंबर्स को ऐड कर सकते हो क्योंकि ये दोनों सेट डिसजॉइंट सेट है। ठीक है, फिर हमने यहाँ से एक यहाँ से आप उठा सकते हो फॉर्मूला, यहाँ से इसकी वैल्यू निकाल लो। जो हमारे पास थर्ड फॉर्मूला है एन ऑफ ए माइनस बी किसके इक्वल होगा, एन ऑफ ए माइनस इसको इधर ले आओ, तो हम इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं फ्रॉम थर्ड से, एन ऑफ ए माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन ऑफ बी माइनस ए की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर लीजिए। एन ऑफ बी माइनस ए इज इक्वल टू एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इम्प्लाइज दैट हमारे पास क्या आ जाएगा, एन ऑफ ए सिमेट्रिक डिफरेंस विद बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस टू टाइम, ऐड कर देंगे इसको टू टाइम एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ओके, ये आपके पास आ जाएगा सेवेंथ फॉर्मूला, एन ऑफ ए सिमेट्रिक डिफरेंस विद बी दिस इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस टू टाइम एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, लास्ट जो आपके पास बचा थ्री सेट्स का, जब आपके पास तीन सेट अगर इकट्ठा ले लेते हैं वे ए बी सी सेट, देन उनकी यूनियन किसके इक्वल होती है, ए यूनियन बी यूनियन सी, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ सी, तीनों सेट्स के एलिमेंट को ऐड कर देते हैं, माइनस दो दो की इंटरसेक्शन माइनस कर देंगे, ए इंटरसेक्शन बी माइनस बी इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन ए, और तीनों के इंटरसेक्शन को ऐड कर देंगे एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये फॉर्मूला होता है तीन सेट की यूनियन का। ठीक है, बाय वेन डायग्राम देख लेते हैं। ये आपके पास यू सेट ए बी सी, ए सेट बी सेट सी सेट, कंप्लीट सेट ए। ए इंटरसेक्शन बी कौन सा पोर्शन आएगा, ए इंटरसेक्शन बी यहाँ से ये वाला पोर्शन। ठीक है, कंप्लीट ए इंटरसेक्शन सी, ए का तो हो गया दिस पोर्शन, और बी इंटरसेक्शन सी करेंगे तो बी का पोर्शन ये हो जाएगा और सी का पोर्शन ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो डार्क लाइन दिख रही है यहाँ से देखें, अगर मैं इस पोर्शन को, हमने क्या किया, ए के नंबर्स को जोड़ दिया, कंप्लीट ए के नंबर हमारे पास काउंट हो गया, इसमें ये नंबर भी आ गए हमारे पास एन ऑफ ए में, प्लस एन ऑफ बी करेंगे देन कंप्लीट नंबर, ये नंबर्स भी आ जाते हैं, फिर सी का करेंगे। ठीक है, फिर हमने कहा कि ए इंटरसेक्शन बी को माइनस कर देते हैं क्योंकि हम एन ऑफ ए में वैसे भी इंक्लूड हो चुके हैं, तो इंटरसेक्शन जब हम लेते हैं तो यहाँ से और यहाँ तक के इतने नंबर हमने निकाल दिए, ये वाले नंबर हमने निकाल दिए। फिर कहते हैं बी इंटरसेक्शन सी भी माइनस कर दीजिए, बी इंटरसेक्शन सी यानी कि ये वाला पोर्शन भी माइनस कर दिया। ठीक है, फिर कहते हैं सी माइनस ए भी कर दीजिए, सी माइनस ए में ये वाला पोर्शन आ जाएगा। ठीक है, तो ये सी माइनस ए हो गया। फिर कहते हैं तीनों के इंटरसेक्शन को ऐड कर दे, क्यों ऐड कर दे, क्योंकि जैसे ही हमने इंटरसेक्शन में निकाला तो ये वाला पोर्शन भी हमारा बाहर गया। ठीक है, तो अगर हम यूनियन करते हैं तो हमारे पूरे ए बी सी सेट आते हैं, बट अगर हम तीनों को जोड़ के इंटरसेक्शन माइनस कर देते हैं तो ये पोर्शन अगर हम वापस ऐड कर देंगे तो फिर से हमारा पूरी यूनियन आ जाएगी। ठीक है?
ठीक है। तो इस तरह से आपको लेना है एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी का फॉर्मूला। उम्मीद करती हूँ कि आपको सारे के सारे फॉर्मूलाज अच्छे से बनाने आ गए होंगे, क्योंकि इनको अगर आप रट के करोगे तो जो आप एक्सरसाइज करने वाले हो नेक्स्ट, उसमें आप यूज़ नहीं कर पाओगे। और अगर वेन डायग्राम से समझ समझ के करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी सॉल्व करने में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।